लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों आपको अपना खुद का एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करना चाहिए, वो भी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑडियंस के लिए, जिससे आप बार बार के पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर यूट्यूब एड्स का पैसा बहुत अच्छा खासा मिलता है, मतलब क्रिएटर के लिए हाई आरपीएम। लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भैया हम लोग तो बैठे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, तो क्या हम अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए फिजिकली वहां हमको जाना पड़ेगा या फिर अपने चैनल की कंट्री यूएसए सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और लोकेशन में यूएसए रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर आप किसी और कंट्री में हो। ऐसे बहुत सारे मिथ्स को दूर करने के लिए एक ही वीडियो में आपको ए टू जी सारी इंपॉर्टेंट चैनल सेटिंग्स और सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको जो फॉलो करने हैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके बाद मेरी गारंटी कि आपके चैनल पर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज से ही आने वाले हैं। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको अपना फ्रेश यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाकर साइन इन पर क्लिक कीजिए और फिर अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि ये एक फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिससे पहले कोई भी यूट्यूब चैनल क्रिएट ना हुआ हो, और अगर इसमें आपको श्योरिटी ना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बना लीजिए और फिर उसके बाद उस अकाउंट से यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। तो अब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर साइन इन कर लिया है इस अकाउंट से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले इस आईडी से कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, तो आपको भी यही वाला ऑप्शन शो होना चाहिए, तो इस पर अब हम क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का नेम एंड हैंडल डालना है। तो अब आपको अपने चैनल के लिए चाहिए होगा यूनिक और इजी टू रिमेम्बर नेम, चाहे आपकी कोई भी निश हो उसी से रिलेटेड आपको चैनल नेम सजेशन चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर और इसको बोलना है अपनी निश के हिसाब से कुछ यूनिक यूट्यूब चैनल नेम सजेशन देने के लिए। ये चैट जीपीटी वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अब आपको चैट जीपीटी यहाँ पर आपकी निश से रिलेटेड कुछ यूनिक नेम सजेस्ट कर देगा, जो यूनिक भी होने के साथ साथ शॉर्ट और इजी टू रिमेम्बर भी होंगे। आपको ऐसा छोटा नाम ही चूज करना है जिससे कि आपकी ऑडियंस को भी याद रखना चैनल नेम इजी हो। अब यहाँ पर चैनल नेम्स तो आपको बहुत सारे सजेशन ये चैट जीपीटी ने दे दिए हैं, लेकिन आपको अब ये चेक करना है कि वो नेम यूट्यूब पर अवेलेबल है कि नहीं, मतलब उसका हैंडल। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नेम यहाँ से कॉपी करके चैनल नेम में पेस्ट करूंगा और फिर चैनल हैंडल में भी सेम चीज पेस्ट कर दूंगा और यूट्यूब बता देगा कि ये हैंडल अवेलेबल है या नहीं। यूजुअली आपके चैनल का नाम और हैंडल नेम सेम ही होना चाहिए, इससे आपकी ब्रांडिंग में काफी हेल्प होती है। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे नेम्स चेक कर लिए हैं और फाइनली अब मुझे ये स्पोर्ट्स कूप वाला चैनल नेम और हैंडल दोनों सेम मिल चुका है, एज यू कैन सी। सो वी विल टेक दिस और अब बस क्रिएट चैनल पर क्लिक कर लेंगे एंड नाउ हमारा चैनल बन चुका है। अब हमें इस चैनल पर करनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, जिसके बिना एक नया चैनल इज लाइक अ न्यू कार विदाउट एनी फ्यूल। एंड बाय द वे, ये जितनी भी सेटिंग्स अभी आप देखने वाले हैं ये मैं आपको लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आप अगर मोबाइल से चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो मोबाइल पर YouTube को डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेना और आपको सेटिंग्स के सारे ऑप्शन सेम टू सेम मोबाइल में भी दिख जाएंगे YouTube स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हम YouTube स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे। एज यू कैन सी अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। सबसे पहले लेआउट की बात करें तो अभी हमारा चैनल तो नया है, इसमें अभी कोई वीडियोस भी नहीं है, तो इसमें अभी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आपके चैनल पर 10-20 वीडियोस हो जाए उसके बाद आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं कि फीचर्ड वीडियोस में आपको क्या दिखाना है, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस दिखाना है, क्या दिखाना है, चैनल का लुक एक नए व्यूअर के लिए कैसा होगा, कौन कौन से सेक्शंस उसको आपको दिखाने चाहिए। तो ये सब आप 10-15 वीडियो डालने के बाद कर सकते हैं, अभी के लिए लीव इट एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांडिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको अभी ही करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका यूट्यूब चैनल लोगो, जो आपको अभी ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो लोगो का साइज और लिमिट कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लोगो क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कैनवा। तो कैनवा में आ जाएंगे और क्रिएट डिजाइन में क्लिक करके कस्टम साइज सेलेक्ट करके यहाँ पर लोगो का साइज खुद से आप डाल सकते हैं जो यूट्यूब में ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर सिंपली आप यहाँ पर सर्च कीजिए यूट्यूब और आपको यूट्यूब लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वैसे भी चूज कर सकते हैं, बस इसमें क्लिक कर लीजिए। अब ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा और साइड बार में आपको यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे लोगों के। इसमें आप सर्च कर सकते हैं अपनी निश से रिलेटेड टेम्पलेट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक स्पोर्ट्स चैनल बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सर्च किया स्पोर्ट्स और यहाँ पर बहुत सारे रिलेटेड टेम्पलेट्स आ चुके हैं एज यू कैन सी। इसमें से कोई भी एक मैं सेलेक्ट कर लूंगा और फिर उसमें मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट और बाकी चीजें कस्टमाइज कर लूंगा। ये पूरा का पूरा टेम्पलेट आप 100% कस्टमाइज कर सकते हैं और आपका लोगो बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप यहाँ से PNG फाइल में डाउनलोड कर लीजिए, बस इसके बाद वापस स्टूडियो में आकर यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर दीजिए एंड इट्स डन। इसी तरह इसके बाद आपको अपने चैनल के लिए बैनर भी क्रिएट कर लेना है कैनवा से ही। इसके लिए भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और बैनर भी आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आपके चैनल का लोगो और बैनर भी बन जाएगा, ये बहुत जरूरी है, तो ये चैनल स्टार्टिंग के टाइम ही बना लेना। इसके बाद अगर आपको अपनी पूरी वीडियो में कोई वाटरमार्क दिखाना है या फिर सब्सक्राइब बटन ऐड करना है छोटा सा नीचे की तरफ,
तो वो भी आप कैनवा से ही क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वॉटर मार्क का साइज भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी साइज में आप क्रिएट कर लीजिए कैनवा से और ये ब्रांडिंग का काम भी आपका खत्म हो जाएगा। बस अब इसे पब्लिश कर देते हैं अभी के लिए ताकि सारी चीजें सेव हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बेसिक इन्फो, तो इसमें आपको अपना चैनल नेम, चैनल हैंडल, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है और नीचे यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा अपने चैनल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि आपका चैनल किस बारे में है एंड ऑल। अब पूरी जिंदगी की हिस्ट्री इसमें आपको नहीं लिखनी है, बस एक छोटा सा और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ये भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं। बस चैट जीपीटी को बोलो कि मेरा चैनल इस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड है और मुझे अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दो, और चैट जीपीटी आपको ये बना के दे देगा एज यू कैन सी। बस इस डिस्क्रिप्शन को आप यहां से कॉपी कर लो और फिर यूट्यूब में पेस्ट कर दो, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लाइन और मैंडेटरीली ऐड करनी है और वो है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपका बिजनेस ईमेल, जिससे कि ब्रांड्स एंड कंपनीज आप तक पहुंच सके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर में ब्रांड डील्स भी करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर देना कोई जरूरी नहीं है, बस अपना बिजनेस ईमेल इसमें डाल। इसके बाद ऐड लैंग्वेज में आपको कुछ भी नहीं करना है और नीचे आपके चैनल का जो URL है आप चाहे तो उसे यहाँ से कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी। इसके बाद लिंक्स में आप एक्सटर्नल लिंक्स जैसे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ये सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फाइनली कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर एक बार फिर से आपको यहाँ पर अपना बिजनेस ईमेल डाल देना है, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद पब्लिश एंड सेव दिस एज वेल। अब आपके चैनल की सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन में दिख जाएगी। एज यू कैन सी ये सेम टू सेम एक नए व्यूअर को भी ऐसे ही दिखने वाली है। अब आपका चैनल रेडी हो चुका है, जाओ और वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो। अरे वेट वेट वेट, इतनी जल्दी क्या है, अभी सिर्फ 50% ही काम हुआ है बंधु, 50% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो अभी बाकी है जो है चैनल सेटिंग्स। तो बने रहो वरना आधी अधूरी इन्फो से कुछ नहीं होने वाला। तो अब आपको साइड बार में सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है और सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में आपको करेंसी अपनी चूज कर लेनी है। अब यहाँ पर US INR आप जो भी चाहे वो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली आपकी रेफरेंस के लिए ही है। सो आपको अपनी रेवेन्यू जिस भी करेंसी पर देखनी है यूट्यूब स्टूडियो में वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स जस्ट कीप इट एज US। और अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आपको चैनल सेटिंग्स में यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इन्फो के अंडर अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस चूज करनी है, और बहुत ही ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप एक नॉन US सिटीजन हो और USA में नहीं रहते, कहीं और रहते हो जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल कंट्री ही चूज करनी है जहाँ आप रहते हो, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप बोलोगे कि भाई फिर US में वीडियो कैसे रैंक होगी, तो देखो कंट्री ऑफ रेसिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वीडियो का टॉपिक, टाइटल और लैंग्वेज रेलेवेंट कंट्री के हिसाब से होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में वीडियो होनी चाहिए, टॉपिक USA से रेलेवेंट होना चाहिए। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं वीडियो में भी आपको आगे बताऊंगा। अब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग वाले लोग अगर यहाँ पर USA सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं उनको बता दूँ कि आपको अभी आगे चैनल वेरीफाई भी करना होता है, तो आपको उस पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कैसे ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। और अगर वो पार्ट भी वेरीफाई कर लिया आगे मोनेटाइजेशन के टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी। सो कंट्री वही वाली चूज करो जहां पर रहते हो, सिंपल। इसके बाद नीचे यहां पर आपको डालने होंगे अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आपका जो भी निश का चैनल है उसी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपको यहां पर चाहिए। अब आपको ये कहां से मिलेंगे, सिंपल, इसके लिए भी यू कैन आस्क चैट जीपीटी। मेरा स्पोर्ट्स निश का चैनल है USA का, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला इसी से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स देने के लिए, और मुझे इसने ये दे दिया। एज यू कैन सी आप अराउंड 40, 50 या 100 कीवर्ड्स जैसे डाल सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेंडिंग हो अपने निश से रिलेटेड। वैसे तो 500 कीवर्ड्स तक ऐड करने की लिमिट है, बट 100-200 भी करोगे तो इट्स फाइन। बस इससे एल्गोरिदम को आइडिया हो जाएगा कि आपका चैनल किस बारे में। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आपको सबसे पहले ये चैनल नॉट मेड फॉर किड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर निश। अगर कोई और ऑप्शन चूज करोगे तो चैनल पर या तो एड्स नहीं चलेंगे या फिर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए ऑलवेज चूज नॉट मेड फॉर किड्स वाला ऑप्शन। बस इसके बाद नीचे बाकी कोई और सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने दो। इसके बाद आपको फीचर एलिजिबिलिटी वाली सेटिंग्स पर आ जाना, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फीचर्स तो पहले से ही इनेबल्ड मिलेगा, लेकिन अगर 15 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड करनी है, कस्टम थंबनेल्स लगाना है या फिर लाइव स्ट्रीम करना है, तो आपको ये इंटरमीडिएट फीचर्स भी इनेबल करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना फोन नंबर वेरीफाई। तो बेसिकली आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर डालना है और ये वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप जिस भी कंट्री में हो वही कंट्री चूज करो, क्योंकि आपको फोन नंबर भी वेरीफाई करना होता है। अगर US चूज करोगे तो US का नंबर वेरीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप अटक जाओगे, और अगर ये वेरीफिकेशन नहीं करोगे तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, इसलिए ये तो करना ही। इसके बाद आपको एडवांस फीचर्स भी वेरीफाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप सिंपली इस पर कैमरा वेरिफिकेशन अपने फेस से कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, या फिर कोई भी वैलिड आईडी जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब से भी कर सकते हैं।
बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, जब आप इसे करेंगे तो ये अपने आप आपको इंस्ट्रक्ट करता जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखना कि ये तीनों फीचर्स जब तक इनेबल नहीं होंगे, मतलब ग्रीन नहीं होंगे, तब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए ना ही अप्लाई कर सकते और ना ही मोनेटाइजेशन होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेटिंग यानी कि अपलोड डिफॉल्ट्स में आ जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले टाइटल में आपको कुछ भी नहीं डालना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली अपने चैनल का अबाउट सेक्शन से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ताकि बार बार आपको हर वीडियो में सेम चीज ना डालनी पड़े, बाय डिफॉल्ट वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब विजिबिलिटी में आप चाहे तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट लीव इट एज इट इज। ये सिंपली आपको ये बोल रहा है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो उसको आप अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली पब्लिक करना चाहते हैं, तो इसमें आप अनलिस्टेड वाला ऑप्शन ही चूज कीजिए। अब इसके बाद नीचे टैग्स में आपको अपनी वीडियो और निश से रिलेटेड रेलेवेंट टैग्स ऐड करने हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपकी हर वीडियो में पहले से ही आ जाएंगे। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में आपको इस यूएस फेसलेस सीरीज की फर्स्ट वीडियो जो कि स्पोर्ट्स पर ही आएगी उसमें बता दूंगा कि आपको ट्रेंडिंग टैग्स कहां से मिलेंगे, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसके बाद आपको आ जाना है एडवांस सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चैनल की कैटेगरी चूज करनी है। आपका चैनल जिस भी निश पर है उससे रिलेटेड कैटेगरी ही आपको चूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल अभी स्पोर्ट्स पर है तो मैं स्पोर्ट्स चूज कर लूंगा, बाकी आगे इस सीरीज में आपको हर निश की स्पेसिफिक कैटेगरी में बताते जाऊं। इसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चूज करनी है वो है वीडियो लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको चूज करना है यूएस इंग्लिश। जी हाँ, ये ध्यान रखना यूएस इंग्लिश वाला ऑप्शन ही चूज कर रहा है इसमें। और इसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में भी आपको यूएस इंग्लिश वाला ऑप्शन ही चूज करना है एज यू कैन सी, और बस इसे आप सेव कर। इसके बाद की सारी सेटिंग्स, परमिशंस, अग्रीमेंट, कम्युनिटी, ये सब में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लीव इट एज इट इज। और बस अब आपकी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हेल्प करेगी आपकी वीडियो के प्रॉपर एसईओ में भी और वीडियो को यूएसए में रैंक करवाने में भी। अब फाइनली तीन और इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पहली ये कि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। डेट तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जिस दिन वीडियो अपलोड करोगे वो तो यूट्यूब पर आ ही जाएगा, लेकिन वीडियो लोकेशन में आप चूज कर सकते हैं यूएसए। जी हाँ, इससे भी एल्गोरिथम को सिग्नल जाएगा कि ये किस ऑडियंस को वीडियो दिखानी है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है वीडियो का रिलीज टाइम। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में आप रहते हैं तो यहाँ के टाइम के हिसाब से तो वीडियो रिलीज नहीं कर सकते ना। अगर यहाँ शाम को 4 बजे वीडियो रिलीज करोगे तो वहाँ सुबह के पता नहीं 4-5 बज रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम जोन दे आर इन। यूएस में भी अलग अलग टाइम जोन है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको वीडियो या तो इंडिया पाकिस्तान के टाइमिंग के हिसाब से सुबह सुबह यानी कि लगभग सुबह के 3-4-5 बजे रिलीज करनी है, या फिर सुबह 7-8 बजे, ताकि वहाँ की ऑडियंस को भी टाइमली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ये टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, और थोड़े टाइम के बाद तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में ये डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, तो आप उस हिसाब से वीडियो का रिलीज टाइम डिसाइड कर सकते हैं। और फाइनली तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वीडियो का थंबनेल। अब इंडिया पाकिस्तान में तो हम थंबनेल में 50 चीजें दिखा देते हैं, बहुत सारी चीजें हिंदी में भी लिख देते हैं, और बहुत से लोग क्लिकबेट भी करते हैं, लेकिन यूएसए में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपका थंबनेल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद मैक्सिमम 2-3 वर्ड, जैसे कि आप फेमस यूट्यूबर्स का थंबनेल देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का क्लिकबेट नहीं होना चाहिए, और वीडियो में जो है वो भी थंबनेल में भी दिखाओ। क्लिकबेट करोगे तो ऑडियंस थोड़े टाइम के बाद भाग जाएगी, क्योंकि वहाँ के व्यूअर्स ऑलरेडी बहुत ही मैच्योर्ड हैं, तो इजीली समझ जाते हैं कि क्या शो ऑफ है और क्या रियल है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग और प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा एक सक्सेसफुल फेसलेस चैनल फॉर यूएसए बनाने के लिए। बिल्कुल आराम से रिवाइंड करके एक एक सेटिंग्स और प्रोसेस को देख लेना फिर से, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। और अगर कोई सवाल या इशू आए तो यू कैन कॉमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको एनिमेटेड मैप्स यूजिंग कैनवा के ऊपर, और उसके बाद यूएस फेसलेस चैनल के निश की सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।